हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार, जिनके हाथ में होते। आपके तो हाथ बहुत सलाम। चलिए इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास, जीरो लेवल बेसिक मैथ उम्मीदों भरी क्लास। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है, तो उम्मीद करिए आज से कि हम आपको जीरो से जीरो बनाएंगे। और हमारे साथ देखिएगा क्लास को और पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या की। जैसे आपने देखा होगा परफेक्ट स्क्वायर इसके पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज सीधे टॉपिक पे चलेंगे कि कैसे पहचाने कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद अगर कोई अभाज्य गुणनखंड शेष बचता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और नहीं बचता है तो पूर्ण वर्ग होती है। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझना, जैसे 16 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए 16 के 2 × 2 × 2 × 2, इसमें जब हमने जोड़े बनाए अभाज्य गुणनखंडों के, तो देखो दो जोड़े बन रहे है ना। कुछ बच रहा है इसमें क्या जोड़ा बनाने के बाद? नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 32 के हमने क्या किए, इसका भी फैक्टर निकाले, अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें देखो दो के जोड़े बना रहे, फिर एक दो लास्ट में बच जा रहा है, बच रहना से इस पर, यानी कि 32 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई ना? अभी आगे देखना और भी, और जाना मत छोड़ के, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, देखिए आपको याद दिला देते हैं हम कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और आपको बाद में कोई लफड़ा ना हो सके, ठीक है। ये बताइए 13 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? 13 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? यस या नो में जवाब दीजिए, जल्दी करिए तुरंत। हो गया आपके जवाब। चलिए ये क्लास सुबह 5 बजे के बाद आप कभी भी दे सकते हो, मॉर्निंग में 5 बजे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, जीरो लेवल बेसिक है। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसको हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, या फिर 2 × 4 × 8 × 16 चाहे तो इसको लिखें, या फिर 2 × 4 लिखें, मतलब 16 ही आएगा। अगर हम लिखें यहाँ पर 36, तो 36 को आप 6 × 6 लिख सकते हो, गलत है, 6 × 2 लिख सकते हो, ठीक है, 6 × 2 मतलब 6 × 36 हो गया, ये सही है क्या? 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है। और जैसे हमने अगर यहाँ पर और लिखा है 49, इसको आप लिख सकते हो 7 × 2, बात समझ आ रही ना। तो ये होता है, इसको यहाँ पर मत लिखिए, चूंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम 36 की जगह पर 39 कर दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगी? नहीं होगी। अगर हम 49 की जगह पर 50 कर दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाए 50, जैसे 7 का स्क्वायर करने तो 49 आ जाता है, क्योंकि 7 का 7 में पूरा करते हैं तो 49 हो जाता है, बात समझ में आई ना। अगर हमने लिखा 169, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? फिर लोगों ने याद कर लिया होगा 20 तक का स्क्वायर, वो देखते ही बता देंगे है, क्योंकि ये 13 का होल स्क्वायर 13 का, बात समझ में आई ना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं है। ये मार्कर या डस्टर में कुछ गड़बड़ी है यार, इससे नहीं लिखेंगे, आप देखते होंगे काफ़ी इसको मिटाने में संघर्ष करना पड़ता है ना। देखिए आप क्वेश्चन बताइए, कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, बताना। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो इसमें चाहे तो, ये है 39, 36, 49, 51, 69, 122, 144, 146,
बताना इसमें कौन कौन पूर्वज है, कमेंट करना अलग अलग करके। अगला देखना 149, 212, 361, 427, 81 और 196, इसमें बताना कितनी पूर्वज संख्याएं हैं। अगले में भी बताना, भागना मत। इसमें बताना है। ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाता है अगर करते हो तो, और छोड़ना मत एक भी। अगर छोड़ोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं उन सभी को करना है, ठीक। तो इसको मिटाएं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कुछ गड़बड़ डस्टर वगैरह लग रहा है, मिट नहीं रहा है। आगे देखना इसमें क्वेश्चन नंबर 700 में या फिर लिखित में या फॉलोइंग जैसे भी समझिए आप, इंग्लिश कौन सम संख्याओं के वर्ग हैं। सम संख्या मीन्स इवन नंबर। इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर रिलेशन से कौन कौन से हैं आप लोगों को उसको समझना है। देखिए इसको एक साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि बकरी से बकरी का ही बच्चा पैदा होगा, शेर का नहीं होगा। तो जो सम संख्याएं हैं उनसे ही सम संख्याएं बनेगी, विषम से कभी भी सम संख्याएं नहीं बनती हैं। यानी कि कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर दो का आप स्क्वायर करोगे और दो एक सम संख्या है, तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी एक सम संख्या ही आएगा, विषम संख्या नहीं होगा। और हाँ, अगर विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा जो भी मिलेगा कुछ भी आए वो क्या आएगा, एक प्रकार से विषम संख्या ही आएगी। तो इसमें पूछा है कि सम संख्याओं के वर्ग कौन कौन से हैं, इसको पहचान करके बताना। एक मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6 है वो समझ लीजिए सम संख्याएँ हैं, और वही सम संख्याओं का वर्ग भी है, जैसे 256, 1296, 676, ठीक ना। ये सम संख्याएँ हैं और यही सम संख्याओं के वर्ग भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देना आप लोग, कमेंट करना, और फिर हम आपको बताएंगे अगली क्लास में इसके बारे में। और कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं, क्लास छोड़ के मत जाना, पूरा क्लास देखना, समझाने की गारंटी हो। अगले कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका जवाब देना आप लोग। कोशिश करना, नहीं आएगा तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 1 से लेकर 15 तक की सभी सम संख्याओं का वर्ग बताइए, या फिर 1 से लेकर 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग बताइए। तो जरा ध्यान से देखना, 1 से 15 तक की बात बोला जा रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर जरा गौर करो। पहली संख्या विषम है, पहले हम किसका निकालेंगे, सम वाला निकालेंगे ना, तो पहले सम का निकालो। चलो हम सम चुनते हैं, सम संख्या देखो 2 है, 4 है, फिर 6 आएगी, ये विषम होगी। अब बीच में देखते जाना ध्यान से, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, 8 भी सम होगी, 9 सम नहीं होगी, फिर 10 होगी। यानी कि जो हमें आंसर निकालना है वो एक एक छोड़ करके निकालना है, सम का निकालना है। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का वर्ग = 4। फिर 4 का वर्ग आपको करना है, मतलब आपका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और इस तरह से आप अगला कर सकते हो, 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 हो जाएगा। और फिर अगला इस तरह से आप कर सकते हो, 8 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, सॉरी 8 8 10 64 64 हो जाएगा भाई, इससे ज़्यादा तो होगा ही। तो यहाँ पर आप एक बात समझना, तरीका समझ गए ना, कहा था कि 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का वर्ग। तो इस तरह से आप 15 तक का कर लो ना, 15 तक का मतलब कहाँ तक करोगे, 14 तक का बस, क्योंकि सब की बात बोल रहा है ना। देखो 10 के बाद 11 एक विषम संख्या होगी, 10 के बाद 12 सम होगी, 14 होगी, 15 तक ही बोला था, 16 तो जाएंगे नहीं, तो ये 12 का हो जाएगा 144 और 14 का हो जाएगा 196, है ना। ये हो गया ना, 1 से लेकर 15 तक की सभी सम संख्याओं का वर्ग आपके सामने है। अब साथियों आप लोग 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग कमेंट करना, जरूर कमेंट करना अगर वास्तव में सीखना चाहते हो तो। अगर नहीं कमेंट करोगे तो जान लेंगे हम कि आप सीखना नहीं चाहते हो, बस वैसे फर्ज निभा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखना, अगला सवाल इसी पर आधारित। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वो ये कि 20 से लेकर के 25 तक
की किन्हीं दो सम संख्याओं का वर्ग बताइए। बताइए आप जल्दी बताइए, 20 से 25 तक की किन्हीं दो सम संख्याओं का वर्ग। तो क्या करोगे आप मालूम है, 20 से 25 तक का मतलब ये हुआ कि 20 को ले लेंगे आप, 22 को ले लेंगे और 24, तीन ही सम संख्या है 20 के लेकर के 25 के बीच में। बात समझ रहे हो ना, 20 है, 22 है और 24 है। एक बात समझना, 20 से 25 तक अगर बोला है तो हम 20 को भी लेंगे, 24 को भी लेंगे। अगर ऐसे बोला है 20 और 25 के बीच की किन्हीं दो सम संख्याओं का वर्ग बताओ, तो बीच की मतलब आप 20 को नहीं गिन सकते हो, फिर आप 22 और 24 दो ये संख्या पाओगे। तो तक और बीच में और से इनमें अंतर होता बहुत बड़ा वर्ग में, ध्यान देना, ऐसे आप कई जगह कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक ना। तो अब आप इसमें से किसी भी संख्या का वर्ग कर दो, चाहे इसका 20 का कर दो ये 400 हो जाएगा, 22 का कर लो, 24 का कर लो, दो संख्याएं हो गई क्योंकि तीन संख्या कुल है, आपको दो का बताना है। अगला देखना, देखिए आपसे कुछ इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं वर्ग वाले में, ध्यान देना। 56 का होल स्क्वायर, तो साथियों इसका मान आप कई तरीके से निकाल सकते हो, जिसमें हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे कि इसको आप क्या कर लो, एक काम कर सकते हो, 60 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर करके आप सूत्र लगा सकते हो, या फिर आप 50 प्लस 6 करके भी फार्मूले का यूज कर सकते हो। फार्मूला कौन सा लगाओगे, वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जानते हो ना, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर, कौन सा है, माइनस वाला सूत्र है ना, तो माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस होता है। चलिए लगा देते हैं, ए का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर और धन बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए मतलब 60 और बी मतलब 4, इस तरह से आपका ये हो जाएगा 3600 और ये 16 माइनस, ध्यान से देखना, 2 × 6 = 12 और 12 × 4 = 48, तो ये हो जाएगा 480। देखो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ेगा तो ये 3616 हो जाएगा माइनस 480, इसमें से इसको घटा लो तो क्या आएगा, ये देखो 3616 और 480 इसमें से घटाओगे तो 6 11 से 8 गया तो 3 और ये 5 5 में से 4 गया 1, एक प्रकार से 3136 आएगा, कितना आएगा 3136। तो अब आप इसमें कुछ थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करने का तात्पर्य ये कि सही है कि गलत है, आप पाएंगे बिल्कुल पूरा सही है। इस तरह से आप कोई भी नंबर का कर सकते हो तोड़ करके, उसके नियरेस्ट टेंस वाले में तोड़ देना है और कर लेना है सूत्र लगाओ। देखिए हमने आपको एक दूसरा तरीका भी बता दिया, 56 का होल स्क्वायर, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी उतना ही अंतर आएगा। इसको 50 और 6 में तोड़ दो, 50 धन 6 56 होगा ना, ये प्लस वाला फार्मूला लगा दो तब भी 3136 ही आएगा। तरीका हमने आपको बता दिया, करना आपको है, ठीक ना। अब ये मत कहना कि नहीं बताया, दोनों तरीका हमने दिखा दिया आपको। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो आसानी से और बिना किसी टेंशन के, ना कुछ याद करना ना कुछ रटना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आप 11 से नोट कर लो और उनको लगा करके लेके आना आप लोग, 11 12, और जिसको ना आएगा वो कमेंट करना, ये 13, ठीक ना, क्लियर। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 14 और फिर आगे 15 16, सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, ठीक ना। 81 47 और 27 हल करना, सभी को आगे पीछे प्लस माइनस लगा करके, चाहे जैसे भी करना लेकिन हल जरूर करना और करके दिखाना। जो लोग ज्वाइन किए व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे, ठीक ना, आगे चलें। और जो नहीं किए वो कर लें ज्वाइन, जल्दी से जल्दी कर लें क्योंकि लिमिटेड टाइम है, बाबू बाद में नहीं होगा फिर।
देखिए साथियों, अभ्यास टू का ए है ये कक्षा 8 की गणित, इसको कर लेना, कंप्लीट हो चुका है लगभग। निचोड़ हमने बता दिया, बस आपको क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित वर्गीय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इस बुक के अकॉर्डिंग तो ये सवाल नंबर 3 है, लेकिन हमने जितना सवाल बताया उसके अकॉर्डिंग ये 19वीं सवाल हो चुका है। वर्ग ज्ञात करने का मतलब अब आप समझ गए हो, -5 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसका होल स्क्वायर मतलब अगर निकालना है तो 13 का जानते हो 169, 17 का जानते हो 289, तो ये आ गया उत्तर। इसी तरह का सभी का वर्ग कर देना आपको लिख देना है, कर लोगे ना उम्मीद करते हैं। अगर शुरू से क्लास को देखा है, आपने स्किप नहीं किया है, तो आप इसको पक्का कर ले जाओगे। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 2 का ए ये हो चुका है, अब आप लोग बताओगे कुछ आगे, ठीक है। हाँ, कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो बड़े अटपटे से होते हैं और उनको लेके आप खुद अटपटे में पड़ जाते हो, तो अब उनको भी देख लेते हैं। जैसे अक्सर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको फलानी संख्या में जोड़ देने पर फलानी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब यहाँ फलानी डकारी का मतलब समझना कि हम आपको बताने वाले क्या है। देखना, हर कोई जानता है, आप लोग देसी हैं, मतलब हिंदुस्तान से ही है तो सब जानते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में पूरा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी देखना, इसका निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि, इसमें करना है 6075 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, ये संख्या जो भी हो इसको जाने दीजिए, भाड़ में जाए मत समझना इसको, छोड़। पहले एक दूसरा सवाल समझो, छोटा सा। अभी हमने आपको बताया था कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जबकि 32 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और उसका कारण क्या, रीजन क्या, वो भी बताया था। इधर देखना, इसको आपको दिखाया था कि ये 2 × 2 × 2 × 2 होता है, ये जोड़ा बन जाता है, इसमें कोई अकेला नहीं रहता, सभी की अपनी अपनी जोड़ी है, तो ये क्या होता है इस तरह सा, ये पूर्ण वर्ग है कि 4 का वर्ग 16 आता है। लेकिन 32 में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाती है और एक बेचारा अकेला रह जाता है, उसका कोई जोड़ा नहीं बनता है, यही सबसे बड़ी मुसीबत है आजकल। ये देखिए, ये हो गया ना इकट्ठा। अब देखो, इसमें 1-2 बच रहा है अकेला, ये देखो मायूस सा बैठा हुआ है, इसका कोई जोड़ा नहीं यहाँ पर, अकेला है। तो अब आपसे एक सवाल हम बनाए इसी की तरह कि 32 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से पूरा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। जल्दी बताओ तुरंत, मतलब इसमें क्या कमी है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो रही है। इसमें 1-2 की कमी है ना, 1-2 की कमी है ना। अरे जी, अगर इसका भी एक जोड़ा बन जाता है इससे काश, तो ये देखो हो गया पूर्वज ना, 1-2 की तो कमी थी, यानी कि 32 में आप 2 का गुणा कर दो तो 64 हो जाएगा। 64 एक पूर्वज संख्या है, मिल गई वो संख्या ना, मिल गई ना। अगर ऐसे कहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या करोगे, उसका पहले गुणनखंड कर लेना है, फिक्र निकाल लेना है, उसको हराई फला लेना है इस तरह से, फिर उसमें देखना है कितनी कमी नज़र आ रही, क्या क्या जो कमी होगी उसका गुणा कर देना, बस हो गया। बात समझ में आई ना, यहाँ उत्तर मिल गया 2, तो चलो 6075 हम उत्तर लेते हैं। अब तो ये चुटकियों का खेल है, देखिए कोई चीज़ रटने से नहीं आता, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैथ में कुछ रटा नहीं जाता है, चीज़ों को समझा जाता है, एनालिसिस करिए उसको, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारा जवाब आपको मैथ में मिलता है, कैसे और क्यों हर जवाब मिलता है। देखिए 6075 है, काटते चलो इसको, 2 से कटेगा क्या, गुणनखंड करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 2 से कतई ना कटेगा, चूंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये 3 से कट सकता है, 3 × 6 3 से कटेगा,
भाग देके देखना, 3 × 6 = 3 × 6 = 3 × 15। फिर इसको आप 3 से काट सकते हो, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा, हाँ कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, है ना। 3 × 21, 3 × 5 = 15, काटते जाओ फिर से, 3 × 6 = 3 × 6 और फिर 3 × 5 = 15। देखो जिनको शंका हो रही हो ध्यान दें, 3 × 5 = 15, 5 × 8 = 1, 3 × 6 = 7 और 3 × 6 सही, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ध्यान देना। फिर अभी 3 से कटेगा ये जी, ये 3 × 25 = 75 होता है ना, ये देखो 5 × 25 और ये 5 × 5। कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये गुणनफल पूर्णवर्ग हो जाए। अब ध्यान देना पूर्णवर्ग होने में लफड़ा क्या हो रहा है, 6075 है, ये 3 से कटा है, 5 बार कटा है, कितनी बार कटा है, 5 बार। तो ये लो मैंने लिख दिया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और फिर ये 5 से कटा है 2 बार। जरा ध्यान देना यहाँ पर, इसको पूर्वत बनाना है, अभी पूर्वत है नहीं है, मैंने तो लिख दिया जरूर जबरदस्ती लगा के, पूर्वत है नहीं बनाना है, ध्यान देना है यहाँ पर, हम बताने वाले क्या है उसको देखना। देखिए अब इसको पूर्वक बनाना है, मतलब इसमें जोड़ी बननी चाहिए दो दो की सभी की, ये देखो जोड़ी सभी की बन रही है ना, लेकिन एक लफड़ा हो रहा है, 3 बेचारा अकेला बच रहा है, इसकी कोई जोड़ी नहीं लग रही है, ये तना से बैठा अकेला, तो क्या करेंगे, इसकी भी जोड़ी बनानी है, मतलब 1 3 अगर और होता तो इसका भी काम बन जाता और फिर ये पूर्वक हो जाती, यानी कि क्या कमी है, 3 की कमी है ना, वो संख्या मिल गई, अतः वो संख्या क्या है, 3 है, ये जहाँ क्या होगी ना पर क्या हो जाएगा, 3, जिसे यदि 6075 में गुणा कर दे तो ये संख्या पूर्णवर्ग हो जाएगी। बात समझ में आई ना, जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा मैटर हमने आपको समझा दिया, एक अच्छे तरीके से बता दिया, अगर आप भी ना समझ में आया ना तो फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालना सिर पर जा करके और 2 मिनट आँख बंद करके सोचना कि आखिर मैं यहाँ पर आया काहे लिए। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो यकीन मानिए आपको मैथ में 0 से हीरो बना देंगे, आपको 0 लेवल बेसिक क्लास को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर सारी क्लास मिलेगी, सारे डाउट सेशन आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, इसके लिए आपको 549 पे करना है, जिन लोगों को 549 रुपये जमा करके कंप्लीट क्लास करना है वो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, और जिनको नहीं करना उनको राम राम, यूट्यूब पर देखते रहें बिल्कुल फ्री में, अगर आप करेंगे इस क्लास को तो आप कंप्लीट क्लास घर बैठे व्हाट्सएप पे पाएंगे, अगर आप इसको नहीं ज्वाइन करेंगे तो यूट्यूब पर आपको हमारी कुछ क्लासें उपलब्ध होंगी उनको आप देखते रहिए। अगर आप इस क्लास को अभी इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं और अभी तक आपने पीवीआर स्टडी के पेज को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो भी लिखा होगा ज्वाइन शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करने को उसको करिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें और हम आपसे जुड़ सकें। तो साथियों आप लोगों ने हमें 20 मिनट तक देखा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, बहुत बहुत थैंक यू आपको, बेस्ट रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते और पढ़ाते रहें, जय हिंद जय भारत, आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो इन्हीं बातों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं अगली क्लास का इंतजार करिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वहाँ पर आपको और भी डिटेल मिलेंगी, थैंक यू।